रिक्रूटमेंट एजेंसी, जैसा कि नाम से ही विदित हो रहा है कि ये नौकरी भर्ती संस्था है जो लोगों को नौकरी दिलवाती है, या यूं कहें कि किसी बेरोजगार युवक अनुभवी कारीगर को कंपनी से और कंपनी को बेरोजगार अनुभवी कारीगर से मिलवाती है, जिससे कंपनी को अपने काम के अनुसार एम्प्लॉई और एम्प्लॉई को अपने अनुसार कंपनी मिल जाती है बिना समय गवाए। इसके द्वारा काम ढूंढना आसान हो जाता है, साथ ही आपको पुरानी कंपनी को छोड़ने के लिए पहले ही नई जॉब मिल जाती है, जिसे आप कंपनी को सही समय पर बता सकते हैं और त्याग पत्र दे सकते हैं। कैसे शुरू करें रिक्रूटमेंट एजेंसी? रिक्रूटमेंट एजेंसी एक मध्यस्थ संस्था है जो बेरोजगार और कंपनी के बीच बिचौलिए का काम करती है। बेरोजगार है अथवा नई जॉब की तलाश में है, वो भी रिक्रूटमेंट एजेंसी से संपर्क करता है। रिक्रूटमेंट एजेंसी की एचआर भी कंपनी या युवक युवती से जानकारी लेकर उन्हें सही नौकरी दिलवाने में उनकी सहायता करती है, ये इसका मुख्य काम है। रिक्रूटमेंट एजेंसी कैसे काम करती है? रिक्रूटमेंट एजेंसी टारगेट कंपनी का चुनाव करती है, फिर उसके एचआर डिपार्टमेंट से संपर्क करती है। उपलब्धता होने की स्थिति में जिस पोस्ट के लिए वैकेंसी है उसकी सभी जानकारी लेती है, जिससे एजुकेशन, अनुभव, स्थान, पगार आदि की जानकारी मिले। सभी डिटेल के बाद रिक्रूटमेंट एजेंसी डेटाबेस बनाती है उन लोगों का जो उस पोजीशन के लिए सभी मानकों को पूरा करते हैं। डेटाबेस तैयार होने के बाद रिक्रूटमेंट एजेंसी उन सभी लोगों से संपर्क करती है और कंपनी के बारे में सारी जानकारी प्रोवाइड करती है। अगर कैंडिडेट को कंपनी की प्रोफाइल अच्छी लगती है तो वो जॉब के लिए हाँ बोलता है और रिक्रूटमेंट एजेंसी उनका इंटरव्यू करवाती है। इंटरव्यू में चुन लिए जाने के बाद उनको जॉब दे दी जाती है। इस तरह वैकेंसी को भरने की एवज में रिक्रूटमेंट एजेंसी कंपनी और जिसकी जॉब लगती है उससे कुछ कमीशन लेती है। इस तरह बिचौलिए का काम करके पैसा कमाती है। रिक्रूटमेंट एजेंसी खोलने के संबंध में जानकारी। रिक्रूटमेंट एजेंसी मुख्यतः इन विभागों के लिए काम करती है: आईटी एवं प्रौद्योगिकी विभाग, फाइनेंस एवं मार्केटिंग विभाग, ऑयल एवं गैस विभाग, टीचिंग फील्ड, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन फील्ड, हार्डवेयर फील्ड। एजेंसी अनुभव। यदि आपने इस क्षेत्र में काम किया है तो ये आपके एजेंसी के लिए बहुत फायदेमंद है और आप इस काम को आसानी से शुरू कर सकते हैं। यदि आपने इस क्षेत्र में काम नहीं किया तो ऐसे व्यक्ति को पार्टनर बना सकते हैं जो इस काम का अनुभवी हो। प्रतिद्वंदी। मार्केट में जिस प्रकार के जॉब की मांग, सबसे ज्यादा कौन से फील्ड में लोग जॉब सर्च कर रहे हैं, उन सभी बातों का अवलोकन करके अपनी मार्केटिंग एजेंसी को शुरू करें। जो इस क्षेत्र में पहले से ही है उनकी भी जानकारी लें। आधारभूत चीजें एवं खर्चा। प्रतिद्वंदियों को टक्कर देने और अच्छे एजेंसी शुरू करने के लिए आपके पास कुछ चीजों का होना अनिवार्य है, आप ताकि आप क्लाइंट्स को आकर्षित कर सकें। लॉकडाउन के बाद काफी चीजें ऑनलाइन हो गई हैं, आपकी भी ऑनलाइन उपस्थिति होना जरूरी है। कंप्यूटर, लैपटॉप और नेट कनेक्शन अनिवार्य है। कई ऑनलाइन रिक्रूटमेंट पोर्टल हैं जिससे रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा, जो केवल रिक्रूटमेंट प्रक्रिया में काम आते हैं, जो सभी के सिस्टम और मोबाइल में इंस्टॉल है। एक फिक्स्ड कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल एड्रेस होना चाहिए जिससे लोग आपसे कॉन्टैक्ट कर सकें। एक अच्छा स्टाफ, अच्छे लोकेशन पर ऑफिस होना चाहिए जिससे लोग आप तक आसानी से पहुंच सकें। पंजीयन कैसे कराएं? हर कंपनी और एजेंसी का पंजीयन करवाना अनिवार्य है। एक सीए अपॉइंट करें और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा लें। नाम चुनें, कंपनी का नाम यूनिक होने और क्लाइंट को आकर्षित करें। कंपनी की वेबसाइट बनवाएं और सही डोमेन चुनें। बैंक अकाउंट एवं बीमा। कंपनी का बीमा करवाएं, साथ ही कंपनी के नाम से बैंक अकाउंट भी ओपन करें ताकि नुकसान होने की स्थिति में रिकवरी हो सके। वेट रजिस्ट्रेशन। टर्नओवर के हिसाब से पंजीयन कराएं ताकि सही समय पर और सही अदायगी की जा सके। रिक्रूटमेंट एजेंसी के लाभ। फायदे की बात करें तो एजेंसी का भरोसा बन जाने के बाद अच्छी इनकम हो सकती है, क्योंकि इसमें केवल वन टाइम शुरू में खर्चा है। रिक्रूटमेंट एजेंसी में हानि। हर बिजनेस में हानि होती है, इसमें भी है, आइए जानें। क्लाइंट बनाते समय कंपनी की छानबीन कर लें, क्योंकि किसी भी जॉब लगवा देने के बाद अगर कंपनी पैसे नहीं दे पाई तो व्यक्ति का भविष्य खराब हो सकता है, साथ ही छवि भी। कंपनी के साथ ही नौकरी चुने गए कैंडिडेट के बारे में भी जानकारी रखें ताकि ऐसा ना हो कि इंटरव्यू समय वो ना बोल दे। एजेंसी की साख पर, उससे भी बुरा असर होता है एजेंसी की साख पर। वैसे दोनों ही मामले में गारंटी तो नहीं ले सकते, पर जितना हो सके कंफर्म करें। ओके क्रेडिट बिजनेस ओके है।